दोस्तों कैंडीज और टॉफीज किसे पसंद नहीं होती। यकीनन आप लोग भी बबल खाते होंगे जो कि टेस्ट में इंतहाई मीठी होती है और आपका मुंह चलता ही रहता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी कैंडीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहा दर्जा नुकसानदेह हैं और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया और दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इन्हें बैन कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं किंडर सरप्राइज की। दोस्तों एक इटालियन कंपनी जो कि किंडर सरप्राइज नामी एक टॉफी बनाती है, ये एक चॉकलेट से बनी हुई काफी बड़ी सी कैंडी है जिसको जब खोला जाता है तो इसके अंदर येलो कलर के रैप के अंदर एक छोटा सा तोहफा पाया जाता है जो कि बेसिकली थैंक्स गिविंग की ट्रेडिशन के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और यूरोप के अंदर बहुत मारूफ है। लेकिन दोस्तों इसकी 1970 से लेकर अभी तक 30 बिलियन कॉपीज बिकने के बावजूद इसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि एक छोटा सा बच्चा जिसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से था, उसने इस कैंडी को खाते हुए इस येलो कलर के रैप को भी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर वो ले गया, जिसके नतीजे में उसने चोक किया, यानी कि उसे सांस लेने में दिक्कत हुई क्योंकि उसकी सांस की नाली के अंदर ये छोटा सा पैकेट जिसके अंदर एक तोहफा मौजूद था वो फंस गया था। इसके बाद से इसे इलीगल करार दे दिया गया है और कनाडा और मेक्सिको के अलावा दुनिया के बेशतर बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इस कैंडी को बैन कर दिया गया है। दोस्तों फिर बात करते हैं कैंडी सिगरेट्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल तो सिगरेट के हवाले से इतनी ज्यादा कैंपेन्स या फिर एड्स नहीं चलती जितनी माजी में चला करती थी। 1950 में जब अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता रियासतों के अंदर लोगों को पता चला कि कोई शख्स जो सिगरेट पीता है उसका कितना ज्यादा नुकसान है, ना सिर्फ उसे बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को, तो उन्होंने देखा कि उनकी मार्केट के अंदर बच्चों को कैंडी सिगरेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल कैंडी की तरह होती है लेकिन वो असल में सिगरेट की खसूसियात भी रखते हैं, यानी कि जब आप उसे पफ करते हैं तो उसके अंदर से सफेद रंग का धुआं निकलता है। ये बेसिकली इनकरेज करता है बच्चों को कि वो सिगरेट की तरफ आए, लिहाजा पेरेंट्स को पता लग गया कि एक स्लिपरी स्लोप है कि जो बच्चा भी इस तरह की कैंडीज खाएगा अल्टीमेटली वो सिगरेट भी पिएगा। लिहाजा उन्होंने इसे बैन करने का मुतालबा किया और बाकायदा एक कैंपेन भी चलाई गई। बाद में कंपनी ने इन सिगरेट कैंडीज को स्टिक्स का नाम दिया लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। इसे दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर बैन कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ भारत और एक दो छोटी रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने इसे अभी तक बैन नहीं किया। दोस्तों फिर बात करते हैं ऑब्सीन पैकिंग के हवाले से। एक कंपनी जिसका नाम मुआम था, इन्होंने एक छोटे से लेवल से काम शुरू किया और इंतहाई खूबसूरत कैंडीज बनाना शुरू की जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी थी। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि इन कैंडीज के जो रैपर थे इनके ऊपर कार्टून करेक्टर्स की जो शक्लें बनी होती थी वो बड़ी ही काबिले एतराज हालतों में होती थी। मिसाल के तौर पर आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त जो ये तस्वीर चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कार्टून है जिसने अपनी टांगें खोली हुई हैं और उसके सामने एक और कार्टून है जिसने अपनी जुबान निकाली हुई है और वो टांगों की तरफ एक मानी खेज नजरों से देख रहा है। तो इस तरह की जो ऑब्सीन किस्म की पैकिंग थी इसकी वजह से मुकामी पेरेंट्स ने इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई और इस कैंडी को भी बैन करवा दिया गया। पॉप रॉक स्पिन ऑफ जस्ट टू टेम्प्ट। दोस्तों अक्सर औकात आपने नाम सुना होगा स्पेस डस्ट का या फिर लिकर डस्ट का। ये बुनियादी तौर पे ऐसी ड्रग्स हैं जो कि पाउडर के अल्टरनेटिव होते हैं। टैंग और इस तरह के दीगर ब्रांड्स ने जब पाउडर वगैरह निकाले तो पेरेंट्स को ये खदशा होने लगा कि बच्चे इन पाउडर्स को जिस तरह मीठा समझ के पीते हैं या फिर इनकी तस्वीरें जो बनी हुई होती हैं रैपर्स के ऊपर जिसमें एक छोटा सा कार्टून करेक्टर बड़ा रिलैक्स कर रहा होता है, इसकी वजह से अल्टीमेटली ड्रग्स में चले जाएंगे। लिहाजा उन्होंने एक बड़े पैमाने पर सरकार के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सरकार ने अल्टीमेटली इन पॉप रॉक्स को बंद करवा दिया। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक लिक्रिश की। दोस्तों ब्लैक लिक्रिश भी इसी तरह का एक कैंडी मटेरियल है जिसके बारे में अगर आप कैंडी लवर से बात करें तो आपको कहेंगे कि ये इंतहा दर्जे का आला किस्म का और बहुत ही मीठा सब्सटेंस है। लेकिन फेडरल ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि अगर कोई ब्लैक लिक्रिश खाता है बेसिकली तो उसको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एनीमिया वगैरह। एक हफ्ते में 2 औंस तक अगर आप ब्लैक लिक्रिश खाते हैं तो आपको दिल का मसला हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम एक बड़ी मिकदार के अंदर आ जाता है, पानी और नमकियात आपकी बॉडी के अंदर आते हैं और अल्टीमेटली आपकी किडनीज के अंदर रिटेन हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके गुर्दों के मसाइल भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए ब्लैक लिक्रिश को भी कैंसिल कर दिया गया। लीची फ्रूट कैंडी जो कि इंडिया के अंदर 2013 के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल थी, इसके हवाले से एक इन्वेस्टिगेटर इंडिया गए। उन्होंने वहाँ जाके देखा कि हर साल मानसून के मौसम में
बहुत सारे बच्चे सीयर्स और कोमा वगैरह का शिकार हो जाते हैं। और इन बच्चों की जब उन्होंने डिटेल के अंदर हिस्ट्री मालूम की तो पता चला कि ये हर साल लीची की कंजम्पशन करते हैं बहुत ज़्यादा। लीची के ऊपर चूंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स वगैरह डाले जाते हैं और ये चूहों वगैरह की मदद से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेस्टेड हो जाती है, तो जब इसको खाया जाता है तो बच्चे अल्टीमेटली तकलीफ का शिकार होते हैं। इसके अलावा जब लीची के अपने टेस्ट किए गए तो पता चला कि लीची के अंदर भी एक ऐसा टॉक्सिन पाया जाता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो यानी ओवरऑल ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि लीची फ्रूट कैंडी खाने का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, इसका फायदा कोई नहीं। एक्सप्लोडिंग च्युइंगम। दोस्तों एक ऐसा शख्स जो कि लेबोरेटरी के अंदर काम करता था, केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, उसने एक दिन लैब में काम करते हुए एक चीज नोट की। उसने ये देखा कि जब वो लैब के अंदर जाता है तो वहां पर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसको अगर गम के साथ मिलाकर खाया जाए तो बहुत मजा आता है, लिहाजा उसने डेली बेसिस पे ये खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन वो अपने घर पे बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक उसकी माँ ने एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। वो जैसे ही उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि लड़का फर्श पर पड़ा हुआ है और इसका मुंह फटा हुआ है और इसके जबड़े टूटे हुए हैं। तो उन्हें पता चला कि इसका जॉ यानी इसका जो जबड़ा है वो सारे का सारा फट गया, क्योंकि जो केमिकल ये लगाता था आज उस केमिकल की बजाय इसने गलती से कोई फ्लेमेबल और एक्सप्लोडेबल मटेरियल इसके ऊपर लगा दिया था और खा लिया था, जिसके बाद में इस च्युइंग गम को भी काफी ज्यादा फेटल केसेस का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको सबसे ज्यादा किस क्लिप ने इंचांट किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए देखते रहिए द ग्रेन।